हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको हैच कमांड सिखाने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी जो हैच कमांड है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने थोड़े एग्जांपल खोले हुए हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है कि ये पार्टीशन दिखा रखा है इस ऑब्जेक्ट का। ओके, तो यहाँ पर ये जो लाइनें देख रहे हो आप, ये हैच कमांड है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे यहाँ पर ये लाइनें देख रहे हो आप, ये भी हैच कमांड के थ्रू डाली गई है। और नेक्स्ट जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये हाउस है, तो इसके अंदर जो ये पैटर्न देख रहे हो आप और ये ऊपर वाला, ये सब हैच कमांड से डालते हैं दोस्तों। ओके, तो हैच कमांड को हम ड्रा पैनल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्रा पैनल में हमारी हैच कमांड यहाँ पर होती है। ओके, जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में यहाँ पर हैच, फिर ग्रेडियंट और बाउंड्री, तीन ऑप्शन देख रहे हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हैच कमांड के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, तो जैसे मैं हैच कमांड लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहोगे ये पिक इंटरनल पॉइंट पूछ रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ड्रैग रखा है, जैसे आप देख रहोगे ये क्लोज्ड बाउंड्री है, तो ये सिर्फ हैच यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। और अगर यहाँ पर करना है हमें तो यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके, और फिर बाद में ये कमांड कंटिन्यू रहती है, तो हम क्या करते हैं, एस्केप। ओके, तो इसने ये हैच ड्रा कर दी। अगर हमें इसका लाइनों का गैप है जो, उनको छोटा बड़ा करना है, तो दोस्तों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस हैच के ऊपर। ठीक है, तो हैच लेयर के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर ऊपर देख रहे हो आप, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर मुझे इसका पैटर्न चेंज करना तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं हैच कमांड के। ये डिफरेंट पैटर्न है दोस्तों, हम इनमें से कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने अभी डिफ़ॉल्ट के लिए ये लिया है। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्केल का ऑप्शन है, तो अगर मुझे इसका स्केल बढ़ाना है या घटाना है तो मैं क्या करता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, तो इन लाइनों में जो गैप था दोस्तों वो बिल्कुल ही कम हो गया। अगर मैं यहाँ पर अगर इसको बढ़ाता हूँ, 2 करता हूँ, तो इन लाइनों का गैप ज़्यादा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वापस, तो आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जो मैं इनको बारी बारी समझाता हूँ अभी आपको कि इनका क्या यूज़ है। ओके, तो इनके अंदर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये सिलेक्ट, तो सिलेक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मैं एस्केप की दबाता हूँ एक बार यहाँ पर और फिर दोबारा हैच कमांड लेता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये पिक इंटरनल पॉइंट पूछ रहा है। और अगर हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं तो आप अब देख रहे होगे यहाँ पर ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। ओके, अगर हमें पिक इंटरनल पॉइंट करना है तो हम यहाँ पर पिक पॉइंट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर हमें बाय ऑब्जेक्ट अगर किसी को सिलेक्ट करना है, जैसे मान लिया मैं बाय ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसने क्या किया, यहाँ पर ये पैटर्न डिस्प्ले कर दिया हैच कमांड के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, और मान लिया मुझे कोई इंटरनल पॉइंट अगर पिक करना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसने क्या किया, पूरे को कवर कर दिया। ओके, मगर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये जो बाउंड्री है यहाँ तक, जो बीच का सर्कल है उसको भी इसने क्या किया, कवर कर दिया। ओके, तो इसके लिए क्या करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर हैच कमांड लेता हूँ और यहाँ पर पिक पॉइंट, ठीक है, फिर क्या आएगा, ये पिक इंटरनल पॉइंट। तो अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ इस क्लोज्ड बाउंड्री का एरिया को सिलेक्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और पिक पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या आते हैं दोस्तों, ये पैटर्न है। तो पैटर्न के अंदर क्या है, जैसे मैं इस हैच लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अलग अलग पैटर्न, तो जैसे ही मैं जिन पैटर्न के ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप नीचे देख रहे होगे यहाँ पर ये पैटर्न चेंज हो रहे हैं। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ब्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे होगे ये बिल्कुल ही सॉलिड लग रहा है, तो इसका क्या करें, हम स्केल कम करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं स्केल दे देता हूँ 0.06 कर देता हूँ। ओके, तो एस्केप की, तो जैसे देख रहे होगे यहाँ पर ब्रिक्स की हैच डिस्प्ले हो गई है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये जो भी पैटर्न दे रखे हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। ओके, और ग्रेडियंट के लिए चाहिए तो ग्रेडियंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद आप जैसे यहाँ पर देख रहोगे पैटर्न, ठीक है, ये सॉलिड ग्रेडियंट ये वही है। और सॉलिड चाहिए तो मुझे सॉलिड ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, ग्रेडियंट चाहिए ग्रेडियंट, या पैटर्न, ये
सिर्फ रिटर्न में लिखे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये पैटर्न डिस्प्ले हो रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है ये बाई लेयर। बाई लेयर क्या है इसका, बाई लेयर हम इसका कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मुझे ऑरेंज चाहिए इसका, तो ऑरेंज कर सकता हूँ मैं इसको। ओके, और मैं इसको क्लिक करता हूँ, और दोबारा अगर कोई कलर चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये वाला, ये है बैकग्राउंड लेयर के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी कलर देता हूँ, तो ये बैक साइड में जो कलर है ब्लैक है, इसका कलर दे देगा ये। ओके, जैसे मैं मान लिया यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। ओके ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर वो क्या, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हैच, ट्रांसपेरेंसी, एंगल और ये स्केल। ठीक है, हैच ट्रांसपेरेंसी क्या है दोस्तों, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसकी जो ओपेसिटी है, डिस्प्ले है, वो कम हो जाएगी, जो इसके पीछे ऑब्जेक्ट है वो भी विजिबल हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये है एंगल, और मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ तो ये जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर जो पैटर्न है उसका एंगल चेंज कर रहा है, तो यहाँ से हम पैटर्न का एंगल चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये है हमारा स्केल के लिए। ओके, तो जैसे मैं ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होगे लेयर, अगर हमने कोई लेयर अगर बना रखी है तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने कोई लेयर नहीं बना रखी, और ये अभी आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके अंदर लेयर कैसे बनाते हैं हम। ओके, तो अगर हम कोई लेयर बनाते हैं तो डायरेक्ट उस लेयर को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर उसका कलर दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्या, ये है सेट ओरिजिन। ओरिजिन का क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसका ओरिजिन यहाँ पर सेट करता हूँ, ओके, तो फिर ये क्या करेगा, ये इसको रोटेट इस पॉइंट से करेगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आप देख रहे हो ये उस पॉइंट से रोटेट कर रहा है इसको। ओके, तो ओरिजिन हमारा काफ़ी काम आता है, अगर इसको मूव करना है तो यहाँ से मैं मूव भी कर सकता हूँ या कुछ भी। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर ये यहाँ पर, ठीक है, आउटर आइसलैंड डिटेक्शन। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन तीन ऑप्शन का ये पैटर्न ड्रा कर लेता हूँ, हैच पैटर्न यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग सेम पैटर्न मगर हर एक उसमें, ताकि आपको ये तीनों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ जाएं। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ, इस पैटर्न को डिलीट, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, तीनों में मैं सेम पैटर्न डाल देता हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पर ये चूज करता हूँ, यहाँ पर मैं यही वाला, ओके, जैसे मैं यहाँ पर दे दिया 2। ओके, और अब एस्केप की, फिर दोबारा हैच कमांड लूँगा, फिर दोबारा इसके अंदर सेम पैटर्न, और मैं यहाँ पर सेम पैटर्न अगर इधर भी सेम पैटर्न करता हूँ तो ये क्या करेगा दोस्तों, मान लिया हमें अगर इसमें चेंज चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली इसमें भी चेंज करेगा, इसलिए हमें एस्केप की, फिर दोबारा हैच कमांड लेनी चाहिए, और फिर बाद में यहाँ पर क्लिक। ओके, तो अब जैसे मैं इसका कलर दे देता हूँ यहाँ पर बाई लेयर में जाके ये ऑरेंज, इसका कलर दे देता हूँ दोस्तों बाई लेयर में जाके रेड, अब यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर दे देता हूँ ग्रीन। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन में जाता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों नॉर्मल आइसलैंड डिटेक्शन। ओके, तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया नॉर्मल आइसलैंड, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसने क्या है कि जो पैटर्न है वो इस सर्कल में भी ड्रा कर दिया है, यानी कि इसने सिर्फ ये गैप छोड़ दिया इन दोनों सर्कल का, और यहाँ पर सेंटर वाले सर्कल में भी ये पैटर्न ड्रा कर दिया। ओके, अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन में चूज करता हूँ मैं यहाँ पर इग्नोर। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसने जो सेंटर में ऑब्जेक्ट थे उनको इग्नोर कर दिया, और पूरे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर इसने पैटर्न डिस्प्ले कर दिया। ओके फ्रेंड्स, और जो ये वाला ऑप्शन है थर्ड वाला, वो क्या है दोस्तों, ये होता है हमारा आउटर आइसलैंड डिटेक्शन। ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ जो क्लोज्ड बाउंड्री होती है सिर्फ उसको सेलेक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम हैच कमांड को ड्रा कर सकते हैं इनके ऊपर। और अब जो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट के अंदर जैसे आप देख रहे होगे ऊपर वाले सभी ऑप्शन सेम है, सिर्फ क्या है ये ग्रेडियंट जो पैटर्न के अंदर यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शन थे, इसने क्या किया ये ग्रेडियंट वाला स्पेशल ऑप्शन बना दिया वहाँ पर, अगर हमें ग्रेडियंट चाहिए तो। जैसे मैं ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, और फिर पिक इंटरनल पॉइंट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो
अब जैसे आप देख रहे हो इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर दो लेयर इनका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं ओके। और यहाँ पर अगर कुछ और कलर चाहिए तो हम यहाँ पर दे सकते हैं ओके फ्रेंड्स। और ये आइसलैंड वाला भी ऑप्शन हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों ओके। तो जैसे मान लिया मुझे यहाँ पर मैं पिक करता हूँ दूसरा कलर और यहाँ पर मैं दे देता हूँ आउटर आइसलैंड ठीक है। तो इसने क्या किया सेंटर वाला गायब कर दिया। और एक और हैच कमांड लेता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर पिक करता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ऐसे ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑप्शन में कौन सा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इग्नोरेंस आइसलैंड। तो इसने क्या किया ये पूरा इग्नोर कर दिया सेंटर वाली जो सर्कल थी वो ओके। अब जैसे मैं एक दो एग्जांपल और समझा देता हूँ आपको हैच कमांड के। यहाँ तो क्या करते हैं दोस्तों, हैच कमांड वापस लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मान लिया मुझे दूसरा अगर पैटर्न डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पर पहले पैटर्न को सिलेक्ट करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ये वाला पैटर्न ओके। तो ये जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, अगर इसका कलर चेंज करना हमें तो हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं ठीक है। और फिर बाद में अगर ये पैटर्न मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट में चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, हैच कमांड में जाऊँगा और जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर मैच प्रॉपर्टी, तो उसके बाद ये क्या पूछेगा सेलेक्ट हैच ऑब्जेक्ट। तो जैसे मुझे मान लिया इसकी प्रॉपर्टी अगर इस ऑब्जेक्ट पे लगानी है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और फिर पिक इंटरनल पॉइंट यहाँ पर पिक करता हूँ। तो इसने क्या किया जो हैच पैटर्न यहाँ पर ड्रा किया था उसको पैटर्न एज इट इज ने यहाँ पर पुट कर दिया। हमें बार बार यहाँ पर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ को, हम डायरेक्ट अगर बार बार अगर वो पैटर्न चाहिए तो हम डायरेक्ट मैच प्रॉपर्टी के थ्रू उसको पिक कर सकते हैं ओके। सिर्फ उस पैटर्न को पिक करना है, फिर बाद में जहाँ पे हमें इसको पैटर्न को ड्रा करना है वहाँ का इंटरनल पॉइंट हम एंटर कर देंगे ओके। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जैसे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम बना रखा है, ये ओपन डायग्राम है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पर मैं हैच कमांड लेता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर अगर इंटरनल पॉइंट पिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई हैच पैटर्न ड्रा नहीं होगा। तो अब जैसे आप देख रहे होगे इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है इसलिए ये पैटर्न ड्रा नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पर जाता हूँ दोस्तों मैं, और यहाँ पर जैसे आप ये गैप देख रहे होगे यहाँ पर भी गैप है, मगर मैं दोबारा हैच कमांड लेता हूँ ओके। और यहाँ पर ऑप्शन में जाता हूँ, अगर मैं इस गैप टॉलरेंस को अगर बढ़ा दूँगा ठीक है तो ये गैप को इग्नोर कर देगा और यहाँ पर ये पैटर्न को ड्रा कर देगा। तो मैं यहाँ पर ये पिक करता हूँ तो आप देख रहे होगे इसने क्या किया हैच पैटर्न ड्रा कर दिया जबकि यहाँ पर गैप था ओके। तो हम इस गैप टॉलरेंस को बढ़ा के हमारा जो छोटा मोटा गैप है उसमें भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स। ये जो एनोटेशन है ये मैं आपको बाद में समझाऊँगा ओके, अभी एस्केप की। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पर है ये बाउंड्री कमांड ओके। तो बाउंड्री कमांड के लिए पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सर्कल लेता हूँ ओके। और यहाँ पर मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ तक और एस्केप, और एक और लाइन लेता हूँ मैं यहाँ से ये यहाँ तक ओके। तो अब मान लिया ये जो सर्कल का ये पार्ट है इसको मुझे अलग करना, तो कैसे करता हूँ इसके लिए दो कमांड है, एक तो हम मैं ट्रिम कमांड के थ्रू भी कर सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन हमारे पास वह है बाउंड्री कमांड। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर ये पिक पॉइंट पूछेगा, जैसे मैं यहाँ पर पिक पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर ये पिक इंटरनल पॉइंट पूछेगा। तो जैसे मुझे मान लिया ये क्लोज्ड एरिया चाहिए बस, तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ ओके, और फिर राइट क्लिक और फिर एस्केप। और अब मैं मूव की कमांड लेता हूँ दोस्तों, इसकी शॉर्टकट कमांड MB है ओके। तो जैसे मैं मूव कमांड लेता हूँ तो ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछेगा, यहाँ पर मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ राइट क्लिक, और यहाँ पर फिर मैं ये मूव कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे आप देख रहे होगे ये अलग ऑब्जेक्ट था, जैसे ये लाइन मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये डिफरेंट था, मगर इसने ये क्या किया इंटरनल बाउंड्री सेलेक्ट कर ली और इसको एक पॉली लाइन में कन्वर्ट कर दिया ओके फ्रेंड्स। आई होप आज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो इनको लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और थैंक यू दोस्तों फॉर योर सपोर्ट, डोंट वरी बी हैप्पी कीप स्माइलिंग फॉर एवर, थैंक यू।